तो हिंदी लेटर के इटरनल पार्ट की रेजिंग हमने कंप्लीट कर ली है। रेजिंग करने के बाद हम इसको एसएस लेटर में फिट करके देख लेंगे बैक साइड में। चैनल कंप्लीट होने के बाद इसके चैनल्स में हम एलईडी मॉड्यूल लगा देंगे। मॉड्यूल लगाने के बाद हम इसको मेटल लेटर में फिट करके इसकी लाइट चेक कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट कर दिए हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएफएक्स गाइड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएस लेटर को बैकलिट इफेक्ट देने के लिए एक्रेलिक लेटर के चैनल बनाना सीखेंगे। इन लेटर्स का फॉन्ट हिंदी में है दोस्तों, और इन लेटर्स का साइज भी स्मॉल है। दोस्तों, जब लेटर छोटे होते हैं तो उसमें हम एक्रेलिक बेंडर यूज़ करने के साथ साथ हीट गन भी यूज़ करते हैं रेजिंग करने के लिए। ये वाले हिंदी के जो लेटर हैं, एक तो इसका साइज़ भी छोटा है और थोड़ा फॉन्ट स्टाइल भी टिपिकल है। इसके लिए हमने एक्रेलिक जो बेंडर है उसकी मदद भी ली है और साथ में हीट गन की भी मदद ली है। और दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने बीच बीच में वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि हिंदी लेटर की रेजिंग कैसे करते हैं और टर्न कहाँ दिया जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा स्लो होना चाहिए और डिटेल में, तो इसका मैं जो डिटेल और स्लो वीडियो है वो फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, जब लेटर छोटे होते हैं तो उसमें हम एक्रेलिक बेंडर यूज़ करने के साथ साथ हीट गन भी यूज़ करते हैं रेजिंग करने के लिए।
ये वाले हिंदी के जो लेटर हैं, एक तो इसका साइज़ भी छोटा है और थोड़ा फॉन्ट स्टाइल भी टिपिकल है। इसके लिए हमने एक्रेलिक जो बेंडर है उसकी मदद भी ली है और साथ में हीट गन की भी मदद ली है। और दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने बीच बीच में वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि हिंदी लेटर की रेजिंग कैसे करते हैं और टर्न कहाँ दिया जाता है।
दोस्तों लेटर रेजिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और डिटेल में मैंने उसकी रेजिंग करना बता रखी है मेरे पिछले वीडियोज़ में, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।